मेरे साथ कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि आपके क्षेत्र में चुनाव है, जिस क्षेत्र में आप प्रभारी हैं, और जो सलूमबर सीट वहां पर भी चुनाव है। किस नज़रिए से इस चुनाव को देख रहे हैं आप, पार्टी किस तरह से इसमें काम कर रही है? देखिए, पार्टी पूरी ताकत के साथ लगी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी कई बैठकें ले चुके हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी बैठकें ले चुके हैं दोनों विधानसभाओं की। हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं उन्होंने बैठकें ली है, कार्यकर्ता सभी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। हमारी जो योजना है उस हिसाब से कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे चुके हैं और निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतेंगे। भारत आदिवासी पार्टी उस क्षेत्र में सक्रिय और आप पर लगातार तीखा प्रहार है जो राजकुमार रोध कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल लोगों का काम होता है, जो प्रहार करना नहीं करना उनका लुकआउट है। हम लोग केवल काम करना जानते हैं, काम पर विश्वास करते हैं, और बाप पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि एक तो हवा बना रखी है कि बाप पार्टी, बाकी ऐसा कुछ नहीं। अब लोग समझ चुके हैं बाप को, क्योंकि बाप ने जिस प्रकार से लोगों के साथ में धोखा किया है चुनाव जीतने के बाद में, जिस प्रकार से उन्होंने माहौल बनाया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है और हमको मुसलमानों को अपनी बहन बेटियों से शादी करा देनी चाहिए, इस प्रकार का किया, तो कोई राजनीतिक पार्टी तय करेगी क्या? ये काम समाज का है। अगर ये भी राजनीति करने पार्टियाँ करने लग जाएगी तो समाज क्या काम करेगा? उससे समाज को समझ में आ गया कि भाई ये पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं, ये तो अपना अलग ही एक किन्हीं लोगों की कठपुतली बन करके इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं, तो उनको समझ चुके हैं, अब उनको छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। आपको चैलेंज किया उन्होंने, इस बार चुनाव हो जाते वापस अभी तो जीत के दिखा दे? चुनाव आएंगे तो पता लग जाएगा ना किनका वो क्या होगा, वो तो उसमें पता लग जाएगा। ये हवाई बातें करते हैं और हवाई बातों से काम नहीं चलता, पार्टी विचारधारा से चलती है। ना उनकी विचारधारा है, ना कोई उनका लक्ष्य है, ना कोई उनकी कोई दिशा है, दिशाहीन लोग हैं। 84 में जो चुनाव है, आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, क्या स्थिति है 84 में वर्तमान, क्योंकि राजकुमार रोत लगातार दो बार से विधायक रहे, 70,000 वोटों से जीते, दूसरा रिकॉर्ड तोड़ वोट राजस्थान में रहने वाले। देखिए, वहाँ पर जिस प्रकार से उन्होंने वोट परसेंट बढ़ाया था, एक लोगों को लगता था कि नया लड़का है कुछ करेगा, लेकिन कांग्रेस के साथ में जब उनका समझौता था और सरकार में भागीदार थे, तो जिस प्रकार से उन्होंने धंधे किए वो किसी छिपे नहीं हैं। करोड़ रुपए कमा लिए, कौन से खेत में पैदा किए बता दे, 5 साल में इनका पूरा नक्शा बदल गया, हवा महल बना दिए, होटलें खरीद ली, ज़मीनें खरीद ली, माइंसें खरीद ली। मैं भी 4 बार का MLA हूँ, प्रधान भी रहा हूँ, मैं तो नहीं खरीद सकता हूँ, तो ये कहाँ से आया? ये केवल राजनीति नहीं, केवल धंधा अपना लिया राजनीति को, राजनीति में आकर हम धंधा करेंगे, वैसा धंधा कर रहे हैं तो लोग भी समझ रहे हैं। आपके विभाग पर सवाल उठा है, उन्होंने कहा कि जो बाबूलाल जी खराड़ी है, जो जनजाति मंत्री है, उनके जो जिस तरह का काम वो नहीं कर रहे हैं और सिर्फ आदिवासियों को लेकर टारगेट किया जा रहा है, उनका कहना है? देखिए, मुझे पता है मेरे विभाग में मुझे क्या करना है, आदिवासी के लिए मुझे क्या करना है, मुझे पता है, उनको तो पता नहीं है, अभी उनका बचपना है। अगर वो अब काम करना हमारा देखेगा तो पता लग जाएगा, हम अब काम हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारे चुनाव होने के बाद में लोकसभा चुनाव आ गए, लोकसभा चुनाव होने आने के बाद में अब हम ये वापस बाई इलेक्शन आ गए, अब हमारी काम की प्रक्रिया शुरू होगी तो पता लगेगा। सलूमबर में भी चुनाव है, एक दिन पहले 84 और सलूमबर की कांग्रेस की भी बैठक हुई जिसमें कार्यकर्ताओं से मंथन किया, तो आपका क्या तैयारी है दोनों सीटों पर? हमारी दोनों ही जगह बैठकें हो चुकी है और कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग जिम्मेदारी दी है, हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर और बूथों तक हमने जिम्मेदारी दी है, कार्यकर्ता वहाँ लगा हुआ है, अपना काम कर रहा है। ठीक, तो ये थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी, क्योंकि चुनाव सर पर हैं, तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और दमखम के साथ पार्टियां जुट गई है लगातार, जो सलूमबर और 84 सीट है उस पर जो नेता हैं, जो बाबूलाल खराड़ी हैं, उस पर भी लगातार पलटवार, जो बातचीत हुई उसमें सामने आया किस तरह इनके जो बयान है वह देखने को मिले। TV9 के लिए राजेश डांगिया।